मेरा नाम राम बाबू है। मेरे पापा का नाम श्री मोहनलाल जी पाटीदार है, जो गांव गोगटपुर के निवासी हम, जो कि विकासखंड जीरापुर के अंदर आता है। जिले का नाम राजगढ़। ये मेरे भैया राजू पाटीदार हैं। मेरे पास 20 बीघा जमीन है, जिसमें से 8 बीघा जमीन बिल्कुल बल्ली पड़ी हुई थी। 4-5 साल पहले हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, जिससे कि हमारे परिवार में बहुत सदस्य होने के कारण हमारी बिल्कुल आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। इससे हम पूरा सही साथ पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। इसके चलते हुए मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। इसके बाद एक दिन हमारे गांव में समसामयिक एवं कृषि अधिकारी चर्चा हुई, जिसमें कृषि विभाग एवं आत्मा के अधिकारी गण मौजूद थे। इस बात से प्रेरित होकर हमने ग्राम सेवक साहब से सलाह ली, तो उन्होंने हमें मिनी स्प्रिंकलर और ये ड्रिप के बारे में बताया। इससे हम स्प्रिंकलर से कम पानी में ढलवा जमीन और पथरीली जमीन पर खेती कर सकते हैं। इसके बाद हमने स्प्रिंकलर की मदद से ये इस साल चने की बुआई की है, और हम इस वर्ष अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस पथरीली जमीन में भी फसल उत्पादन कर ली हमने। आत्मा योजना के अंतर्गत जो मैंने इसका लाभ लिया है, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि आज से 1-2 साल बाद मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार आएगा, और इससे मैं बहुत अच्छे संतुष्ट हूँ। किसान भाइयों से निवेदन है कि इस प्रकार की ढलान और पथरीली जमीन पर स्प्रिंकलर और मिनी ड्रिप की मदद से खेती करें, और अधिक से अधिक उत्पादन लें और लाभ कमाइए। कि आत्मा परियोजनाएँ और कृषि विभाग से जुड़े रहें और खेती का लाभ का धंधा बनाए। इस परियोजनाओं का लाभ हमने लिया, जिससे कि हमें बहुत लाभ हुआ, और इस पद्धति का हमको बहुत ज़्यादा भरपूर फायदा हुआ है। मैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी केंद्र गोगटपुर में रहता हूँ। यहीं पर मेरा शासकीय क्वार्टर भी है, और मैं ये मेरे किसान संपर्क कृषक हैं। मैं रवि रिछारिया, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर विकासखंड जीरापुर। चूँकि आप देख सकते हैं पथरीला इलाका है, पहाड़ है यहाँ पे हम पहले ज़मीन बंजर पड़ी रहती थी। हम आए यहाँ पे सिंचाई का कोई साधन नहीं था। हमने देखा कि यहाँ पे भी खेती कर सकते हैं, तो हमने इन्हें जानकारी दी कि आप यहाँ पे भी खेती कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने इनके लिए स्प्रिंकलर योजना जो आती है, स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करने के लिए कहा, तो इन्हें अपनाया। तो आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ पे भी हरी भरी खेती आप देख सकते हैं पूरी तरह से, कि सही तरह से पूरी फसल यहाँ पे है, जो सामान्य खेत में होती है, जो पहाड़ पे भी वही चल रहा है। वर्तमान में इसमें फूल की अवस्था चल रही है चने में, जो कि हमारे द्वारा दिया गया था, और इसमें कुछ कहीं कहीं पर इल्ली का प्रभाव दिखा हमें, और उस इल्ली के प्रभाव के लिए हमने इनके लिए प्रोपेनोफास जो विभाग से मिली हुई थी दवाई हमें, उस दवा का इन्हें 50% अनुदान पर मिली थी, उस दवा का इन्हें स्प्रे भी कर दिया है, और वर्तमान में इसमें इल्ली वगैरह कुछ भी नहीं है। एकदम स्वस्थ निरोगी फसल खड़ी हुई है, और इससे मतलब लगभग 20 क्विंटल पैदा आराम से मिल सकती है इससे।